ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। निर्विघ्न जीवन सचमुच संगम युग की सबसे सुंदर गिफ्ट है, और जो मनुष्य अपने जीवन को निर्विघ्न रखना सीख ले वो सचमुच बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान है, और ऐसी आत्माएं ही सतयुगी राज के अधिकारी बनते हैं, जो निर्विघ्न राज है, जहाँ कोई आपदा नहीं, जहाँ प्रकृति का कोई झंझट नहीं, जहाँ किसी का कोई भय नहीं, जहाँ रोग शोक प्रजा में भी संपूर्ण सुख शांति और नैतिकता है। तो आइए हम सीखें अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना। सब गहराई से चेक कर लें, कौन सी चीज हमारे जीवन में विघ्न डालती है? हमारे अपने संस्कार, हमारा अपना व्यवहार, हमारा अपना सोचने का तरीका, या दूसरों की ओर से कुछ आने वाली बातें? ये भी संभव है कि जीवन में दूसरों की ओर से भी विघ्न पड़ते हैं, पर हम अपने दृष्टिकोण को इतना ऊंचा उठा दें, अपने स्वमान को इतना ऊंचा उठा दें कि दूसरे की हर बात हमें खेल प्रतीत होने लगे, जैसे छोटे बच्चों की हर बात हमें छोटी लगती है क्योंकि वो अबोध हैं, तो दूसरों की ओर से भी हम विघ्नों से मुक्त रहें, क्योंकि सेवाओं में कहीं ना कहीं टकराव होता हो, सेवाओं में बाधाएं पड़ती हो, एक दूसरे की बात न मानी जाती हो, तो सेवा में भी विघ्न पड़ते हैं, और ऐसी सेवा वृद्धि को प्राप्त नहीं होती, और जिस सेवा की शुरुआत ही विघ्नों से होती हो उससे निकलने वाली आत्माएं भी सदा विघ्नों में ही दिखाई देंगी। इसलिए हम अपनी नेचर को ऐसा बनाएं कि सहज भाव से चलते रहें, हमें ऐसा प्रतीत हो कि कलयुग में रहते हुए भी हम कलयुग में नहीं रहते हैं, हम इसके प्रभाव से मुक्त रहते हैं, हम परे हैं, हम कलयुगी हैं ही नहीं, हम तो संगम युगी हैं, हम तो देव कुल के हैं, हम तो ईश्वरीय परिवार के हैं, हमारा स्वभाव संस्कार ही ऐसा हो जो कोई भी बात विघ्न के रूप में हमारे सामने आए ही नहीं। अपने जीवन को भी विघ्नों से मुक्त अनुभव करें, शारीरिक बीमारी आ जाए, परिवार में कोई बाधा आ जाए, और कोई बात हो जाए, अचानक कुछ दुर्घटना घटना हो जाए, उन सभी बातों को विघ्न न माने, अपने विचारों को पॉजिटिव कर दें, अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव कर दें, और हर बात को लाइट कर दें। बीमारी हुई है, संकल्प कर लें ये बीमारी आई है, चलो मुझे रेस्ट मिला, अब मैं योग का अच्छा अभ्यास करता हूँ, करती हूँ। ऐसे ही कोई परिस्थिति आ गई, चलो कोई बड़ा विघ्न टल गया छोटे रूप में, बाबा की याद करने का मौका मिला, उसकी मदद लेने के सुंदर अनुभव प्राप्त हो गए। इस तरह अपने विचारों को तुरंत टर्न कर देने से वो बात हमें विघ्न प्रतीत नहीं होगी और सहज रूप से समाप्त हो जाएगी। पर मूलतः हमें अपने स्वभाव संस्कारों के विघ्नों से मुक्त रहना है, कहीं भी इम्प्योरिटी का विघ्न न पड़ता हो, कहीं क्रोध का विघ्न न पड़ता हो, कहीं ज्यादा सोचने की नेचर का विघ्न न पड़ता हो। तो आइए हम एक दृष्टि डालें अपने पर, हमारा जीवन निर्विघ्न है, और सवेरे बाबा से निर्विघ्न भव का वरदान भी ले लिया करें, बाबा के पास चलें और फील करें बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, और उसने वरदान दिया बच्चे निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव, विजयी भव, और इन्हें स्वीकार कर लें। उठते ही ये तीनों संकल्प रोज ही किया करें,
तो आज सारा दिन हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं निर्विघ्न हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, ये बाबा से मुझे वरदान मिल गया है और साथ में सर्व शक्तिवान की किरणों को ग्रहण करते रहेंगे ताकि विघ्नों को जीतने की शक्ति हम में बढ़ती चले। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।